आई पे अटेंशन ऑन माई मैं इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि पर ध्यान देती हूँ. द लव ऑफ इंटेलेक्ट. प्रीत बुद्धि, सीता बाबा ने कहा इन आंखों से देखने वाला मत देख, परंतु मुझ परमात्मा बाप को अच्छी तरह से ऐसा देख जो बिरकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा. बाबा को देखते 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 हमारा ये आत्मा स्टार मिसल चमकने लग पड़ेंगी. ऐसा पुरुषार्थ करना हो सिंपल है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है. कभी शब्द ये नहीं निकलेगा ये मेरे लिए थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट कहा, फील किया, तो राजयोगी नहीं बनेगा. राजयोगी माना राजाई पाने वाला योगी. योग लगा रहा है सत्य की राजाई तो अलग बात है, मिलेंगी ऑटोमेटिक मिलेंगी. पर अभी जो राजाई है ना, रॉयल्टी, रियल्टी की रॉयल्टी, ज्ञान रत्नों से बाबा का ज्ञान रत्न मिलते हैं. ज्ञान ऐसे सुनने सुनाने वाला नहीं है, अंदर से मनन चिंतन में मंथन में ज्ञान हमको पहले मीठा लगता है, फिर तो बड़ा ज्ञान की वैल्यू है. जो हमारे में कोई गुण नहीं था, सर्वगुण मेरे में ज्ञान योग से है, अपने आप आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं. क्यों? बाबा ने पहले पहले सिखा दिया सत्वगुणी बनना होगा. भले कुछ भी गुण ना हो, तुम सत्वगुणी बनेंगे ना तो सब गुण तेरे में आ जाएंगे. सत्वगुणी से सब गुण ईश्वरी गुण आते हैं हमारे में, ऐसे नहीं थोड़े गुण. क्यों पावर ऑफ प्योर फ्यूचर में थोड़े भी बाहर वाले में थोड़ी कोई गुण कला होती है, नशा चढ़ जाता है. हम किसकी संतान है तो वो संतान किसके है? ईश्वर के गुण है. ईश्वर में जो गुण है वो हमारे में आ जाए. वाह रे वाह, बाप के गुण हमारे में आ जाए तो उसके लिए यहाँ किसी का अवगुण नहीं देखना. नहीं, नेवर नेवर, न देखना न सुनना न सोचना न नेवर. इसके लिए नॉट अलाउ. किसी का भी अवगुण दिखाई पड़ा माना मैं ईश्वर की संतान नहीं हूं, मेरे फीचर से फ्यूचर मुझे नजर नहीं आएगा, औरों को भी नजर नहीं आएगा. हमारे फीचर से ही नहीं बताएंगे मेरा फ्यूचर क्या है. तो बाबा कहते हैं हमारा फ्यूचर बाबा कैसे बना रहा है, अभी हमारे फ्यूचर से दिखाई पड़े. तो फ्यूचर का ख्याल रखना है. प्रेजेंट हमारा समय संकल्प व्यर्थ नहीं गंवाना है, बहुत वैल्यूबल है. स
समय संकल्प. ओम शांति. वेलकम शांति. आप सबका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में. आज है चैप्टर 7 और स्टेप 19 है अमर कथा, जो है आध्यात्मिक तरीका जीने का. ऑफ श्रीमद् नाउ श्रीमद् का हाथ पकड़कर चलना. अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे. Om Shanti. Om Shanti. It had been a beautiful journey. बहुत ही सुंदर यात्रा थी. Listening to the original, very very pure, elevated versions of God. परमात्मा के वास्तविक और बहुत ही श्रेष्ठ वाक्यों को सुनना. And traveling. जैसे जैसे हम सुनते भी जा रहे हैं और यात्रा भी कर रहे हैं और उस पर विचार विमर्श भी कर रहे हैं जो भी हमने पहले समझा, और चेकिंग भी कर रहे हैं कि क्या मैं उस पर चल रही हूँ, क्या बाबा की श्रीमत पर सही तरीके से चल रही हूँ, बाबा का हाथ पकड़कर और श्रीमत के पथ पर चल रही हूँ. क्योंकि स्वराज्य तभी ही क्लेम कर सकते हैं जब हम श्रीमत पर चलेंगे. क्योंकि मैं श्रीमत पर चल रही हूँ, मनमत पर नहीं चल रही हूँ, ना ही परमत पर चल रही हूँ या परिस्थितियों के मत पर चल रही हूँ. क्योंकि ये इतनी ही दिलचस्प बात है देखना, क्योंकि हमारे मन और संस्कार हम पर वो भी अपनी चलाने की कोशिश करते हैं. तो लेकिन अगर मेरे संकल्प श्रीमत के आधार पर होते हैं तो जो भी संकल्प मन में आएंगे श्रीमत के आधार पर, तो मैं उस प्रकार से ही उस पर कर्म करूंगी, संस्कारों के आधार पर कर्म नहीं करूंगी. तो चेक करना है कि संकल्प जो मन में आ रहे हैं क्या वो श्रीमत पर चल रहे हैं या पुराने संस्कारों के, पुराने संस्कार ही मन को चलाते हैं. तो जब हम ये ध्यान देते हैं कि श्रीमत पर चलना है, और जब भी मैं देखती हूँ कि अगर मन के जो इन्फ्लुएंस रहती है संस्कारों पर या बुद्धि पर, तो मैं उसको बदल सकती हूँ. और जैसे ही मैं बाबा के बारे में सोचती हूँ, शुरू ही करती हूँ, मेरे संकल्पों में उसी समय परिवर्तन आता है. सिर्फ संकल्पों में ही परिवर्तन नहीं आता, जैसे दादी कहती है और मैंने भी अनुभव किया है कि बाबा की जो विशेषताएं हैं मेरे अंदर जैसे कि बहने लगती हैं, मैं अनुभव करने लगती हूँ प्रेम से भरपूर, शांति से भरपूर संकल्प और बहुत सारे श्रेष्ठ और जो भी कल्याणकारी संकल्प है वो आने लगते हैं. तो ये संकल्प फिर मुझे यूज करने हैं,
तो मेरी स्मृति जो जो भी मैं बोलती हूँ इस संकल्पों पर आधार हो, मेरे संबंध उसी संकल्प पर संकल्पों के आधार पर होते हैं, तो मैं इन संकल्पों को यूज करती रहती हूँ और बहुत समय तक अगर हम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वो इतना नेचुरल हो जाता है श्रीमत पर चलना, क्योंकि मन भी श्रीमत पर चलने लगता है, वो कुछ और नहीं सोचता। इसलिए वरदान में आज बहुत ही बाबा ने अच्छा बताया कि अगर व्यर्थ संकल्प है या सवाल है श्रीमत पर, क्यों बाबा को हमें बताना है कि ये इन मर्यादाओं पर चलो, मुझे इंडिपेंडेंट चलना है, मुझे किसी को फॉलो नहीं करना है। कि जैसे कि आप डाउट कर रहे हो श्रीमत पर, लेकिन कितना जरूरी है कि अगर मैं बाबा की श्रीमत पर चलती हूँ इस जीवन में, क्योंकि बाबा ने हमें जीवन दिया है और हमें गाइड कर रहे हैं, और अगर मैं वो खो देती हूँ श्रीमत पर नहीं चलती हूँ, तो यानी कि मैं अपना रास्ता खो देती हूँ और फिर बाबा तो मुझे गाइड नहीं कर सकते। फिर तो फिर क्या हो जाता है कि यात्रा में आप गलत गलत दरवाजे से निकल जाते हैं और फिर आपको लगता है कि मैं मंजिल से बहुत ही दूर पहुंच गई हूँ। और अगर आप श्रीमत पर चलते हैं और बाबा के साथ संबंध रखते हैं गाइड के रूप में, आप फील करेंगे कि सिर्फ आपकी यात्रा सुखद नहीं है, लेकिन आप आगे भी बढ़ रहे हैं और आपको लगेगा कि आप मंजिल के समीप पहुंच गए हैं, क्योंकि ये समय की जो साइकिल है उसका भी अपना प्रभाव है। कभी कभी आपको लगेगा कि समय कभी कभी किसी न किसी प्रकार का प्रभाव लाता है, लेकिन अगर आप यात्रा पर हैं स्वराज्य की, तो आप फिर से उसे पा सकते हैं। नहीं, मैं किसी के भी प्रभाव के में नहीं आ सकती, या कभी कभी संस्कारों का हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, फिर आप उसी समय खुद को कहते हो कि मैं ऐसे मैं प्रेशर संस्कारों के प्रेशर में आकर कोई कार्य नहीं करूंगी। और फिर और शक्ति पाने के लिए आप स्वराज्य के अभ्यास करते हैं, यानी कि मेरी जो अनादि स्थिति है सत्यता की, पवित्रता की, खुशी की, शांति की, तो मैं वो अभ्यास करना शुरू करती हूँ सिर्फ शक्तियां ही प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन मेरा मन परिवर्तित हो जाता है और मैं सही रास्ते पर चल पड़ती हूँ इस यात्रा में। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा की जो महत्वपूर्णता है वो है श्रीमत पर चलना है और बाबा मेरे गाइड हैं, कभी भी बाबा की संकल्प बोल और कर्मों को अवज्ञा नहीं करनी है, क्योंकि फिर से हम कर्मों के बंधन में आ जाते हैं। लेकिन अब मुझे अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है, परिवर्तन होना है और बाबा की श्रीमत पर चलकर परिवर्तित होना है। इसके बारे में आप सोचिएगा और फिर इस यात्रा पर चलते रहना स्वराज्य के पाने के लिए। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। दीदी बाद में और थोड़ा शेयर करेंगे, अब पहले हम यात्रा पर चलते हैं। तो मैं निमंत्रण देती हूँ हमारे दो फरिश्तों को, स्वागत है आपका। Step number 19. अध्याय सातवां है, श्रीमत का हाथ थामे। On the day of my next lesson, I am drawn to go to a walk beyond parts of this. मेरे अपने अगले पाठ के दिन मैं इस विशाल क्षेत्र के उन हिस्सों से आगे टहलने के लिए तैयार हूँ जहाँ मैं पहले रहा हूँ। यह एक उत्तम सुबह है और मैं इस गुप्त स्कूल में सीखी जा रही कई चीजों पर चिंतन करने के लिए कुछ समय देने की सराहना करता हूँ जिसमें मुझे जादुई रूप से एडमिट कराया गया है। मेरे विचार मेरे प्यारे पिता और शिक्षक और उस धैर्य और प्रेम के साथ जिसके साथ वो मुझे सिखाते रहे हैं। My thoughts are interrupted by finding प्रवेश द्वार पर खुद को पाकर मेरे विचार बाधित होते हैं। द्वार खुलते हैं मानो मुझे प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो। मैं इसकी ओर कदम बढ़ाता हूँ, उत्सुक हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैंने पहले ऐसा कुछ देखा था। गेट के दोनों और बहुत ऊंचे जो बाड़े हैं वो दीवार के समान मोटे हैं और दोनों दिशाओं में ठीक से दिख नहीं रहा है। इस पत्तेदार हरी दीवार को देखना या उसके ऊपर देखना असंभव है, इसलिए मैं गेट को और आगे खोलकर आगे बढ़ता हूँ। I find myself मैं खुद को एक तरह के हॉलवे में पाता हूँ जिसमें एक रास्ता बाईं ओर जाता है, एक दाईं ओर जाता है और तीसरा एक तेज मोड़ लेने से पहले सीधे आगे बढ़ता है। I decide मैं सही रास्ते पर चलने का फैसला करता हूँ। ये बहुत ही सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे इस बागीचे के भीतर रास्ते में चल रहा कोई बागीचा है। मैं पिता को रास्ते में उतरते देखता हूँ। वो रुक जाता है और मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। हम हाथ में हाथ डाले चलना शुरू करते हैं और फिर वह बोलते हैं। Godly directions, शिक्षक बोले, ईश्वरीय निर्देश आध्यात्मिक स्वर है जो आपके जीवन में संगीत का निर्माण करते हैं। Godly directions, ईश्वरीय मत को श्रीमत कहा जाता है। श्रेष्ठ मत। श्रीमत रूहानी बच्चों के लिए रूहानी बाप से श्रीमत आती है। श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में आध्यात्मिक लाना। श्रीमत पर चलना अर्थात मार्ग को स्पष्ट देखना और को औरों को मार्ग दिखाना। The father बाप सुख देता सुख दाता है और दुख हरण करने वाला है। सुख का मार्ग बताते हैं। To happiness. I let go of his साधक बोला, फूल लेने के लिए मैंने उसका उनका हाथ एक क्षण के लिए छोड़ दिया और जब मैं उनके हाथ तक पहुंच
पहुंचता हूं तो मुझे पता चलता है कि अब वह मेरे साथ नहीं है. मुझे आश्चर्य है कि वहां वह कहां चले गए. मैं एक चॉइस पॉइंट पर खड़ा हूं और सही रास्ते पर चलने का फैसला करता हूं. हो सकता है कि मुझे वहां मेरा गुरु मिल जाए. रास्ते ने कुछ मोड़ ले लिए हैं जब अचानक मुझे लगता है कि मैं किसी अन्य चॉइस पॉइंट पर पहुंचा हूं. बाएं या दाएं. मैं रुकता हूं और फिर बाएं ओर मुड़ता हूं. मैं रास्ते से कुछ कदम नीचे चलता हूं. शायद अगर मैं आगे की ओर देखता हूं तो मैं यह पता लगा सकता हूं कि इनमें से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है. मुझे घबराहट होने लगती है. मैं अपने कदम पिछले चॉइस पॉइंट पर वापस ले जाता हूं और बाईं ओर जाता हूं. वहां यह बेहतर लगता है. एक सीधा रास्ता जो एक मोड़ के चारों ओर जाता है फिर दूसरा चॉइस पॉइंट होता है. मैं कदम सुन सकता हूं. यहां पर कोई है. मैं मुड़ता हूं और देखता हूं कि मेरे पिता है, मेरे शिक्षक है और इस क्षण मेरे मार्गदर्शक मेरी ओर आ रहे हैं. जितना मैंने उसे पहले चलते देखा था उससे कहीं अधिक तेजी से वह आगे बढ़ रहा है और उसकी बाहें फैली हुई है. मैं उसके पास दौड़ता हूं और वह अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेटते हैं. मैंने बड़ी राहत की सांस ली है. वह मुझसे पूछते हैं कि मैं इस चक्रव्यूह में कैसे आ गया और मुझे विश्वास दिलाते हैं कि मैं अब सुरक्षित हूँ. वो मेरे साथ है. वो मुझसे पूछते हैं कि क्या यह रास्ता ऐसा लगता है कि मैं जिस पुरानी दुनिया से आया था उस भ्रमित यात्रा में था. मुझे वह प्रश्न याद है जो मैंने तब किया था. क्या मैंने उसे पाया या उसने मुझे ढूंढा. स्पष्ट रूप से इस बार कम से कम उसने मुझे पाया. शिक्षक बोले, इस पथ पर चलते हुए सदा स्मृति रहे कि हमको श्रीमत के बाप के हाथ और उनके संग का सहारा है. यह हाथ और कंपनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए. Because of love, प्रेम के कारण I am now, मैं अब हर क्षण हर परिस्थिति में आपका मार्गदर्शक हूँ. आपके मार्गदर्शक के रूप में मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है. और एक ऑब्जर्वर के रूप में मैं देखता हूँ कि आप क्या करते हैं. मैं तुमको श्रीमत देता हूँ और श्रीमत से ही सारी दुनिया श्रेष्ठ बनती है. मेरी नंबर वन श्रीमत है अपने को आत्मा अशरीरी समझना और मुझे अपने बाप को याद करना. यह श्रीमत अन्य सभी दिशाओं का मुख्य आधार है. इस पद्धति को मन मनाभव कहा जाता है. The more love your आपकी बुद्धि में जितना अधिक प्रेम होगा उतना ही आप इसे समझने और अभ्यास करने में सक्षम होंगे. आत्मा को अब पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अहिंसक होने की अपनी मूल स्थिति में लौटना होगा. श्रीमत मर्यादाओं पर चलने का निर्धारित करती है जिसके साथ आप अपने दैनिक चार्ट की जांच कर सकते हैं.
has an impact on the soul. शब्द तीखे तीरों की तरह होते हैं और बहुत प्रभाव डालते हैं. Prepare food and eat it. आपका भोजन सात्विक होना चाहिए और भोजन खाते समय याद में रहना है, अंतर्मुक्ता में रहना है. धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो. Do not hurt anyone's feelings. किसी को भी दुख न देना. See with civil eyes, not with criminal eyes. Civilized आँखों से देखना है, criminal आँखों से नहीं. State of your mind completely clean. मन की स्लेट को बिल्कुल ही साफ रखना और क्लियर रखना. कुछ भी उसमें व्यर्थ ना हो, ना ही परेशानी देने वाला हो. शब्द तीखे तीरों की तरह होते हैं और बहुत प्रभाव डालते हैं. Let there be great. आपके बोलने के तरीके में और आपके शब्दों के आदान प्रदान में बड़ी रॉयल्टी हो. वाणी सुख शांति का मार्ग बताएं. When श्रीमत पर कर्म करते हैं तो निर्विकारी जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं. Through your every action, हर कर्म से पुण्यों का दान दो. I give you जो करना है उसके लिए मैं तुमको श्रीमत देता हूँ. If you do not follow my directions, आत्मिक स्तर पर दूसरों से जुड़े. Yourself, अगर आप मेरे मत पर नहीं चलेंगे तो अपने ऊपर दया नहीं करते हैं. Let there be आत्मिक स्तर पर दूसरों से जुड़े भाईचारे की दृष्टि हो. Never find fault. कभी किसी में दोष मत ढूंढो. You are an instrument for bringing into being. आप निमित आत्मा हो जो स्वर्णिम युग को लाएंगे. Victorious. Because you are the embodiment of the blessing. आप विजयी हैं क्योंकि आप अमर होने के वरदान स्वरूप हैं. Follow my directions. मेरी मत पर यथार्थ रीति से चलकर before the काल चक्र समाप्त होने से पहले तैयार हो जाओ. So, Om Shanti. Om Shanti. आज हम निमंत्रण करेंगे हमारे गेस्ट को. सिस्टर डोरा कोलंबिया से हैं. Om Shanti. Hello, Dora. How lovely to see you. कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर डोरा बहन. सिस्टर जूलिया सिस्टर रीटा को देखकर भी मुझे बहुत खुशी. सिस्टर मोइनी और अव्यक्ति परिवार को भी देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. मैं बहुत खुश हूं कि मैं आज यहां पर हूं. Very interesting topic tonight, right? आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है. आज हम श्रीमत के पूरे चैप्टर के थोड़े दो तीन दिन तक आप तीन रात तक हमारे साथ रहेंगे. बहुत दिलचस्प होगा आपसे सुनना आपके अपने अनुभव के बारे में के आप इस जीवन में कैसे आए जब आप श्रीमत पर चल रहे हैं. तो सवाल है कि बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए आपको क्या शक्ति मिली, कहाँ से मिली? क्या आप जब आए तो आप श्रीमत पर चल पाए उसी समय, या समय लगा
श्रीमत पर चलने के लिए तो आपकी क्या है कहानी, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? Before coming to Baba, I have to say, बाबा के पास आने से पहले, the time when I was a teenager, I was very unhappy. मैं टीनेजर थी, मैं बहुत ही नाखुश थी, comfortable, क्योंकि मैं comfortable नहीं थी. That I had to behave in a particular way that I didn't feel very comfortable. मुझे बताया गया था कि आपको इस तरीके से चलना चाहिए, तो मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं थी. मेरे परिवार, मेरे दोस्त और सोसाइटी कि मुझे एक तरीके से कपड़े पहने हैं और मैं कंफर्टेबल नहीं थी, और बहुत सारी चीजें थी कि मुझे लगता था कि मुझे करना नहीं है, जो सही नहीं था और मेरे लिए नेचुरल नहीं था, कंफर्टेबल नहीं थी मैं. तो मैं उन सब से जैसे कि नेगोशिएट करती थी डायरेक्शन लेने के लिए. मैं कहती थी ठीक है, मैं थोड़ा सा करूंगी और मैं उनको और मैं खुश रहूंगी, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं थी. तो जब मैं बाबा के पास आई, खास करके जब मैंने मुरली शुरू की, इतना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मुझे लगा हाँ यही है जो मुझे मैं ढूंढ रही थी और मुझे फील हो रहा था. मुझे एक ही झटके में मुझे लगा कि हाँ, सब कुछ मैंने बाबा को हाँ कर दिया. It was for me easy to say no more to Parmat. मुझे परमत पर नहीं चलना है, मुझे किसी और परमत पर नहीं चलना है, किसी और के कल्चर पे भी मत पे नहीं चलना है. Beautiful experience. बहुत ही सुंदर अनुभव था कि मुझे एहसास हुआ कि not right, वो मुझे जो कह रहे थे वो सही नहीं थे और was something that was trying to emerge, but I was और सत्यता जो थी वो इमर्ज हो रही थी, वो पहले पॉसिबल नहीं थी. अब शुरुआत में जब मैं बाबा के पास आई, एक ही झटके में मैं श्रीमत पर चलने लगी. ये बहुत ही सुंदर कहानी है आपकी, वंडरफुल कहानी है. फिर क्या हुआ जब आप समय आगे बढ़ता गया? कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपना ब्राह्मण जीवन जीना शुरू करते हैं, चैलेंजेस जरूर आते हैं, चुनौतियां आती हैं. तो कैसे हुआ जब आप आगे और बढ़ते गए? I was happy because I was able to... अगली बात थी कि मैं खुश थी बहुत, तो मैं परमत तो रोक पाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये यात्रा है और मन मत आती है फिर उस यात्रा में. And I think I'm still in the process, you know, this is a long way that we have to do it. सीख रही थी इस यात्रा में कि कैसे करना है, और मुझे एहसास हुआ my wrong beliefs, the lies that I told to my जो मैं अपने को जो झूठ बोलती थी, या जिन पर हम दूसरी चीजों पे विश्वास करते हैं, या जीवन पे और चीजों पे जब हम विश्वास करते हैं, but I have found and today I वो एक उन सबसे मैं गुजरी, लेकिन आज मुझे ये अनुभव है कि श्रीमत पर चलकर ही श्रीमत पर चलकर जैसे कि हम खुद को अनुमति देते हैं कि बाबा से प्रीत कर सके, रख सके, और वो संबंध बाबा के साथ रख सकते हैं एक बहुत ही यूनिक तरीके से. ये संबंध दोनों तरफ से होना चाहिए. जब मैं स्वयं को खुद अच्छे से समझ सकती हूँ, तो और जब मैं अपने को अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, प्रेम कर सकती हूँ, फिर ही मैं बाबा को भी उस सही तरीके से प्रेम कर सकती हूँ, और फिर मैं बहुत ही आसान तरीके से, नेचुरल तरीके से फॉलो कर सकती हूँ, और मैं मन मत को गुड बाय कर सकती हूँ. मुझे ये याद आ रहा है कि जैसे ही मैं सुन रही हूँ आपको, जब आप प्रीत के बारे में बात कर रहे हैं, श्रीमत का हाथ पकड़ कर चलने की बात कर रहे हो, बाबा के साथ आपकी प्रीत की कनेक्शन है. जैसे जैसे आप श्रीमत ज्यादा श्रीमत पर चलते हैं, उतना ही आपकी, जितना बाबा हमें गाइड करते हैं, अपने राज बताते हैं, उतना ही हमारी प्रीत बढ़ती जाती है. बहुत ही वंडरफुल बात है. It's like a friendship. It's like आपकी जैसे कि दोस्ती है बाबा के साथ,
वो श्रीमत ऐसी नहीं है कि जो आपसे कुछ लेके जा रहा है, लेकिन आपको उल्टा और साहूकार बना रहा है. शुरुआत से ये समझना कि श्रीमत पर चलना बहुत ही अच्छा लगा. आपने जो शेयर किया, धन्यवाद. कल फिर से मिलेंगे. धन्यवाद. ओम शांति. Thank you, Dora. That was lovely. Lovely experience. धन्यवाद डोरा बहन. ये बहुत ही सुंदर आपका अनुभव था. So, for the rest of us, well, including Dora, of course, but for all of us, हम सभी के लिए अब हम our quest. अब मैं आपको कल के बारे में बताऊं. कल की पॉइंट है अमृत वेला में. साइलेंस में मैं बाबा की बात को सुनती हूँ, स्वर को सुनती हूँ कि मन से मेरे बन जाओ. And as we travel in our day tomorrow, so we don't और जैसे हम दिन भर में आगे बढ़ते जाते हैं, बाबा का हाथ थामे रखना और अगला कदम उठाना. बाबा का हाथ थामे रखना और श्रीमत का हाथ और अगला कदम उठाना. Night reflection, our और रात को हम विचार विमर्श करेंगे. आप विचार करेंगे कि बाबा की श्रीमत ने आपको कैसे गाइड किया है और कैसे आपके लिए सुरक्षा का कवच बना है. क्या मैंने सारे दिन में श्रीमत के ऊपर मैं चली? अगर नहीं तो मैं कैसे उसको अलग तरीके से कर सकती थी? तो ये हमारी चेकिंग है दिन के अंत के. और आप 8 शब्दों में ये अपना अनुभव भी लिख सकते हैं कि कैसे आपको बाबा ने गाइड किया, या तो आप पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं और अपनी फीलिंग्स को आप जता सकते हैं कि बाबा की श्रीमत पर कैसे चलते हैं. धन्यवाद. कल फिर से मिलेंगे, अगले कदम सुनेंगे. Om Shanti. Thank you, angels. Om Shanti. Sister Dora. फरिश्तों का धन्यवाद. मैं फरिश्तों का धन्यवाद देती हूँ. सिस्टर डोरा ने भी बहुत अच्छे से शेयर किया. Now we will do our avyakti journey. And then Didi has something to share. अब हम अपनी अव्यक्ति यात्रा पर चलेंगे और फिर दीदी को शेयर करना है हमारे साथ. मम्मा's तो आप जरूर रुकिएगा. तो आप सबका स्वागत है मम्मा की मुरली पे. वो लकी सितारा थी जो परमात्म भाषा में हमें समझाते थे. नैनों के पलने में जो ज्ञान का स्वरूप थी. नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने. नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया. नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया. जिंदगानी लाखों की बनाई तूने. नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा. देखो हर बात की भी स्टेजेस है ना. दिन में भी देखो टाइम का है सारा. तो अभी बाप कहते हैं ये तो ये हद का रोज का अमृत वेला दिन सुबह का, ये है बेहद का. बेहद में भी अभी हम चक्कर घूम के अपनी जनरेशन का अभी हमारा ये अमृत वेला चढ़ता है, क्योंकि हमारा अभी न्यू जनरेशन का फाउंडेशन
और हमारी ओल्ड जो जनरेशन है इम्प्यूरिटी की उसकी एंड अभी कॉन्फ्लुएंस है ना, तो ये हमारा अभी अमृत जो सवेर होता है सूर्य जब सवेर में चढ़ता है ना, सवेर अमृत वेले पहला वाला सूर्य जब निकलता है हाँ, तो देखो कैसा, तो इसी तरह से अभी हमारा ज्ञान का सूर्य चढ़ता है, अब चढ़ती कला होती जाएंगी, अभी मानो सूर्य उदय हुआ है, तो सवेर का जो उदय होता है सूर्य हाँ कैसा, तो अभी देखो हमारे फाउंडेशन पर कलम लगाए ये सैपलिंग, ये मानो अभी सूर्य की सैपलिंग और चंद्रमा की यानी रात की अभी एंड होती है और फिर वो अभी देखो उदय होता है, तो हमारा क्या जनरेशन न्यू जनरेशन उदय होती है, तो ये हमारा बेहद का अमृत वेला है हाँ, रोहद का रोज का ये अभी बेहद का, तो अभी हमारा ये अमृत वेला है, तो अमृत वेले परमात्मा कहते हैं मैं आता हूँ रात में नहीं आता हूँ, तो कहते हैं न मैं रात में आता हूँ न मैं दिन में, रात और दिन में ब्रह्मा की रात, न ब्रह्मा की रात में आता हूँ न ब्रह्मा की दिन में आता हूँ, लेकिन कहाँ जब रात पूरी होती है और दिन चढ़ता है उसको कहते हैं सेटलिंग कॉन्फ्लिंग तब फिर मैं आता हूँ, तो ये सभी चीजों को समझना है और समझ कर कर करके और बाप से अपना ऐसा जन्म सिद्ध अधिकार पाना है, तभी बुद्धि में आता है ना पाना किससे है, हमको क्या बनना है, हमको ये नर और नारी प्यूरिफाई बनना, हमको मनुष्य तन में आना जरूर है, ऐसे हम कहे नहीं उधर बैठ जाए, नहीं बैठने से कोई मजा नहीं है, क्या करेंगे डेड साइलेंस में बैठ के क्या करेंगे हा? वो तो जैसे रात को नींद में चले जाते हैं नहीं हाँ, देखो डिटैच हो जाती है रात को, रोज रोते हो ना डिटैच, देखो नींद करते हो बॉडी हाँ बॉडी से डिटैच, परंतु वो नींद की है ये हम चलते फिरते डिटैच रहे इससे, और उधर जाके बैठेंगे बस बैठ गए एकदम साइलेंट में क्या हुआ, वो मजा नहीं, हम आते हैं जागते हैं, जागते में तो सब मजा है ना, परंतु उसमें हमको लाइफ की पूर्ण सुख चाहिए, वो हमारा कैसे बने उसी को बनाना और उसी में हमको सदा सुख प्राप्त करना, समझा, तो ऐसी बातों को समझते और अपना ऐसा पुरुषार्थ करते अपनी ऐसी प्रारब्ध बनाओ, आत्मा भी गोरी गोरे ये नहीं गोरे हम यूरोपियन गोरे नहीं, वो तो देखो उनकी तो ठंडा इसमें रहते है ना ठंडे मुल्कों में इसीलिए उसकी स्किन होती है, परंतु क्या रोग है बीमारियां है ये है, तो उसका वो गोरापन क्या है, गोरा हेल्थ वेल्थ है नेचुरल ब्यूटी, वहाँ देखो सतयुग में नो लिपस्टिक नो पाउडर नो कुछ मेकअप करने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि वो नेचुरल ब्यूटी है ना, यहाँ तो मेकअप करनी पड़ती है, उन गोरों को भी मेकअप करना पड़ता है, वहाँ कुछ मेकअप नहीं नेचुरल, और हेल्थ वेल्थ और शरीर छोड़ना करना ऐसे नहीं अका बैठे मर जाए हार्ट फेल हो जाए ये हो जाए, नहीं कभी कोई वहाँ कभी विधवा होती नहीं, सदा स्वामी ये सदा सुखी सब पादे जो है वो ईश्वरीय बल से प्राप्त है, गारंटी है, कोई लावास हो ही नहीं सकता, लावास समझते हो कहीं बच्चा न हो धन हो फिर बच्चा न हो बच्चे के लिए हे भगवान बच्चा दो ना, बच्चा होना ही है गारंटी, क्योंकि धन को नहीं तो कौन संभालेगा, इसीलिए ये सब हमारी प्रालबद्ध जो है ना वो प्रालबद्ध के हमको सब कुछ प्राप्त होना ही है, इसको कहा जाता है बर्थ राइट, जन्म से दरकार लाइफ का जो सब कुछ साधन है वो पूरे मिलेंगे, उनके कोई फिक्र आती नहीं है, खाने पीने के लिए दो दिन न कमाए तो बेचारे को चिंता रहेगी, अरे बीमार पड़ गया वो अभी कौन कमाई करेगा, कैसे कहें घर का कौन करेगा, बच्चों को कौन, फिक्रात होती है ना, तो उसमें कोई खाने पीने के लिए सब आराम से मिलता ही रहता है, खाने तो तुम तुम्हारे बच्चे बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चे खाते रहेंगे पूरे खाते, यहाँ तो चिंता रहती है, ये तो चिंता से कमाया जाता है, तो ये सब बाप कैसे मैं तुमको ऐसी लाइफ देता हूँ, फिर तो बाकी क्या चाहिए, कभी लड़ाई नहीं कभी झगड़े नहीं, अभी तो देखो आप लड़ाई झगड़े ये सब सब दिक्कत है, अर्थक्वेक हुआ ये नेचुरल कैले ये कुछ बातें नहीं, सब ऑर्डर में, क्योंकि तुम ऑर्डर में आ जाते हो, तुम गॉड को ओबे करते हो तो ये भी चीज सब तुमको ओबे करते हैं, अब तुम उसको ओबे नहीं करते हो डिसऑर्डर में आए हो तो सब चीज तुमको डिसऑर्डर में बात करेंगे करेंगे जरूर करेंगे नीचे वाले तुम्हारे अच्छा आज मालती खिलाएंगे बच्चे तो ऐसे ही शुद्ध होते हैं बहुत, और ये फिर भी शिव बाबा से प्रेम है हा? याद करती हो ना, भूलती तो नहीं हो ना, रोती तो नहीं हो अच्छा, शिव बाबा को याद कर करके फिर खिलाओ सबको दियो शिव बाबा को, और खाने वाले लेने वाले भी याद करे हाँ, देखो याद दिलाओ आंखों से उसको कहो याद हाँ, ऐसे आंखों से इशारा करो देखो हाँ, दिखाओ कि आत्मा याद करो आई एम सोल देन ऑफ सुप्रीम सोल हाँ, दृष्टि दे कर करके दियो
टोली को दृष्टि नहीं खाली दो उनको शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखना सुना हो किसी ने वैसा तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली दुनिया सारी दिल में समाई तूने नैनों के पलने में जो पालना दे मम्मा नैनों के पलने में जो पालना दे मम्मा Om Shanti. Om Shanti. One of the important quality. एक महत्वपूर्ण विशेषता हर एक बाबा के बच्चे को होनी जरूरी है वो है भोजन बनाना. Yeah. All of you know to cook. आप सभी को भोजन बनाने आता है? मैं हाथ देखना चाहती हूँ जिनको भोजन बनाने आता है. Brothers. सभी बहने भाई क्या भाइयों को आता है भोजन बनाने? Brothers, it's always, always because if you want to. बहुत जरूरी है हमेशा ये भोजन बनाना. अगर आपको पवित्र भोजन खाना है, तो साधारण चीजें भी बना लो, चाहे चावल सब्जी बनाने आए, या राइस कुकर है, तो आप उसमें सब सब्जियां डालो. मूंग डालो, मूंग की दाल डालो और अच्छी खिचड़ी बनाओ, पुलाव बनाओ. बहुत ही सहज है. वेरी वेरी इजी रेसिपी ऑफ गुजराती कढ़ी. और गुजराती कढ़ी भी बहुत सहज है बनाना. दही है, बेसन है, और मिक्स करो और आप थोड़ा सा उसमें वगार लगा दो, बॉईल करो तो वो लिक्विड बन जाती है और सिंपल सूप बनाने आ जाए आपको. बहुत जरूरी है क्योंकि मैं समझती हूँ कि कभी कभी होता है. हाल ही में एक बहन की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने कुछ सर्जरी करवाई उनके युगल जो बीके, उन्हें भोजन बनाने नहीं आता है और उन्होंने इतना सारा भोजन बनाया. तो आपको भी कुछ सीखना चाहिए था, युगल को भी. मुझे याद है जब मैं बाबा के पास आई थी, एक चीज जो मुझे नहीं आती थी वो था भोजन बनाना. मम्मा हमारे सेंटर में आ रही थी हमें मिलने, शुरुआत में 1962 की बात होगी या उसके पहले. इंचार्ज सिस्टर सेड, इंचार्ज जो बहन थी उन्होंने कहा मम्मा आ रही है और आपको कुछ मम्मा के लिए बनाना होगा. मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सीखूंगी क्योंकि घर में तो जरूरत नहीं है. मेरी बहन है, मेरी माँ है, हम तीन चार हैं तो वो लोग ही बना लेते हैं. तो उन्होंने कहा लेकिन आपको मम्मा को कुछ तो खिलाना पड़ेगा. जब मम्मा आएगी तो आपने बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी. तो उन्होंने मुझे जैसे के सिखाना भी शुरू किया. एक दो चीजें, सिंपल वाली चीजें बताई. मुझे याद नहीं है कि क्या, लेकिन मैं किचन में गई और मैंने छोटे से क्वांटिटी में बनाया और फिर वहां से लेकर मुझे एहसास हुआ कि कितना जरूरी है कि बाबा के हर एक बच्चे को कुछ बेसिक भोजन आना चाहिए. अगर आपकी हॉबी है तो आप बढ़ा सकते हैं,
अपनी वैरायटी को बढ़ाते सकते हैं और क्वांटिटी जो बना रहे हैं वो बढ़ा सकते हैं. उसके बाद में जब यह संकल्प था कि मुझे इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा और मुझे अलग अलग देश में जाकर अलग अलग लोगों के घर में रहना पड़ेगा और कुछ दो तीन लोगों के लिए भी भोजन बनाना पड़ेगा, तो सच्ची क्वालिफिकेशन ये है. एक है आप कहीं पे भी सो, जमीन पे सो या बेड मिला नहीं मिला, और दूसरा है आप भोजन बना सके. मुझे याद है जब मैं लंदन में आई तो वो बहुत बड़ी बात हुई. हम तीन चार थे आपस में और हम टर्न लेते थे भोजन बनाने के लिए, और बिस्तर नहीं था, बेड नहीं था, हम जमीन पे सोते थे क्लासरूम में, थोड़ी सी जगह थी. अच्छा था हमने जो सैक्रिफाइस किया. मैंने मम्मा जब आ रही थी और मैंने जैसे कि वो एक पुरस्कार के रूप में लिया कि वो जब आई तो मुझे भोजन बनाने का मौका मिला. उसके बाद में मैंने और ज्यादा से ज्यादा भोजन बनाना शुरू किया, कुछ जो भी हो बहुत तरीके से. तो मैं बाबा के बच्चों को प्रेरणा दूंगी, खास करके भाइयों को, कि भोजन बनाना जरूर सीखना चाहिए, बेसिक चीजें तो जरूर आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आपको लाभदायक होंगी सही समय पर. गिफ्ट इन माय लाइफ, मम्मा की तरफ से मुझे ये गिफ्ट मिला भोजन बनाना. ओम शांति. मम्मा ने पूछा कि किसने बनाया, किसने बनाया. कुछ आइटम तो मेरा नाम आया, मैं बहुत हुई. She must have liked. उन्हें पसंद तो आया ही होगा. So when you come to Peace Village, you can cook also. तो जब आप Peace Village जाएंगे तो उधर भी आप बना सकते हैं भोजन. ओम शांति. ओम शांति. अब हम बाबा की याद में चलते हैं. कल गुरुवार है, कल हम भोग ऑफर करेंगे. साकार इंग्लिश मुरली भी होगी 5 से 6-10 तक. बाबा को याद करते हैं, दृष्टि देंगे, दृष्टि लेंगे और अपनी खिड़कियां खोल दें. Thank you.
शुभ रात्रि। बाबा का धन्यवाद देते हैं कि हम रोज शाम को मिलते हैं। सभी स्वस्थ रहें।